है मैं आप लोगों का मेरे चैनल पे। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी का हमारा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो नंबर वन क्वेश्चन है वो ये है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 135 और 225 का, इसका आपको एचसीएफ निकालना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो डिवाइड का हमारा तरीका है हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए एचसीएफ लिखने के लिए हमको ये देखना है कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो मैं आपको एचसीएफ को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू होगा, जैसे दो नंबर है हमारा ए और बी, इसका जो एचसीएफ है वो आपका डिवीज़र होता है, डिवीज़र यानी भाजक, ठीक है। कौन सा, वेन रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, जब आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो शेषफल है वो जब जीरो हो जाएगा तो उस टाइम जो आपका डिविज़र होगा वही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। और इसको रेगुलर हम लोग डिवाइड करेंगे तब ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक करके देखता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 225 को हमको, 225 मेरा बड़ा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू है, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखिए और उसको 135 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो एक बार में करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। फिर घटाइएगा तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया तो हमारा 9, तो 90 बचा, ठीक है। अब इसको 90 को यहाँ पे रखिए और 135, अब 90 और 135 में 135 को यहाँ पे लिख दीजिए, फिर से आप एक बार करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। फिर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 45। अब फिर 45 को इस 90 के साथ में 90 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो शेषफल आ गया, तो आंसर जो है आपको मिल गया कि आंसर क्या है, वो है 45। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, 45 आएगा। अब इसको आपको यूक्लिड के फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है, ओके। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर को, बाई यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम का अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले इन दोनों के लिए 135 और 225 के लिए क्या लिखेंगे कि 225, आपको मैंने तरीका बताया है पिछले वीडियो में, इसको इसको गुना कीजिए, 135 गुना 1 प्लस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखिए 90, ठीक है, ओके। ये हो गया, फिर इसके बाद अब हमको 135 और 90 इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। तो सेकंड में क्या लिखेंगे, पहले 135 लिखा जाएगा, 135 बराबर, फिर यहाँ पे 90 गुना 1 प्लस रिमाइंडर क्या मिला हमको, 45। अब आप देखिएगा रिमाइंडर आपको हर बार पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद फिर इसको लिखना है यहाँ पर वाले को, तो कैसे लिखेंगे, पहले 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ गया है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ओके, तो ऐसे केस में जो हमारा ये वैल्यू है ये क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ इक्वल टू 45, ठीक है। तो जो एचसीएफ है उसको निकालने का यही तरीका है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों आप लोग इसी तरीके से इसको कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आपसे ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि भाग देने तो आपको आता ही है, तो आपको रेगुलर डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर देता हूँ, थोड़ा वो बड़ा डिवाइड है तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एचसीएफ आपको निकालना है किसके किसके बीच में, 196 और 38 220 के बीच में निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, तरीका देखिए वही होगा, हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है 38 220 उसको बीच में रखिए और छोटा से इसको भाग करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आप भाग करते हैं तो आप कैसे भाग करेंगे, पहले देखिए
196 है क्या, दो बार में जाएगा, तो दो छक्का 12, दो नौ 18, 19, दो एक दो तीन नहीं जाएगा, तो एक ही बार में दीजिए 196, ठीक है। घटाइएगा 12 में 6 6, यहाँ पे आपको हो गया 7, तो 17 में 9 8, ठीक है, और ये 186 आपको बच रहा है, ठीक है, ओके। अब आपका इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड, इसके बाद का जो डिजिट है 2, वो यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। अब कितने से हम लोग दे सकते हैं, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो 9 है, क्या 9 से आ सकता है, 9 9 81, 9 1 9, और हाँ 9 से चला जाएगा, तो 9 से इसको देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 9 6 54 का 4 5, 9 9 81 और 5 कितना हो जा रहा है, 86, ठीक है। 9 6 54 4 5, 9 9 81 और 5 86, 6 8, 9 1 9 और 8 क्या हो गया, 17, ठीक है। अब आप इसको घटाइएगा क्या आएगा, 12 में 4 8 माइनस, ये आपका हो गया 9, सॉरी 12 में 4 8, ठीक है। तो ये आपका तो हट गया ये, ठीक है। तो ये क्या बच गया, एक कम 5 बच गया, 15 में 6 9, ठीक है, और ये 7 0, तो 98 बचा, ओके। तो और एक भी डिजिट है, वो है 0, तो उसको भी लेते आइए। तो अब ये किससे जाएगा, तो आप देखेंगे तो 4 से तो 4 नवा 36 7, 5 से 5 नवा 45, ठीक है, और 5 का 5 4 9, 5 6 का 30, 5 9, हाँ शायद ये 5 से चला जाता है, ठीक है। तो 5 से अगर आप देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 5 नवा 45 और 3 48, 5 का 5 और 4 9, तो ये एक ही बार में कट गया, ठीक है। हमने अभी देखिए एक ही बार डिवाइड किया है, ठीक है। हमको जैसे पिछले बार था उस तरह से हमारा जो रेगुलर डिवीजन था वो नहीं हुआ, तो डायरेक्ट हमको क्या है, यही जो चीज़ है, जो हमारा डिवीज़र है, वही हमको मिल जा रहा है, ओके, कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0। तो इस केस में जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 196, ओके, 196 इसका आंसर होगा। आप इसको अपने बुक में जो आंसर दिया हुआ है वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जब आप जाएंगे बुक में और वेरीफाई करेंगे तो आपको देखिए दिखेगा कि जो फर्स्ट वाला आंसर है उसका क्या है, 45, और दूसरे वाले का आंसर क्या है, 196। तो ये आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ही बार में एग्जिस्ट कर गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 196। तो आप इसको यूक्लिड एल्गोरिदम से ऐसे लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड के हिसाब से कैसे लिखेंगे हम लोग, जो हमारा बीच वाला है यानी कि 38220, ठीक है, ओके। ये क्या है, तो ये लिखा जाएगा इक्वल टू कैसे, तो इसको और इसको गुना करते हैं ना, 196 गुना 195, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। तो चूंकि 0 रिमाइंडर पहले ही बार में मिल गया, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे डिवीजर है, ठीक है, भाजक, वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग HCF कहेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो उसमें हमको ये दिया है कि आपको बताना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बुक है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इसको दिखाना काफ़ी ईजी है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 2, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से देखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि किसी भी पूर्णांक को आप 6 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्या है देखिए, जब भी किसी पूर्णांक को 6 से भाग दिया जाएगा, ठीक है, शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा,
ये कैसे? तो देखिए, यूक्लिड का एल्गोरिदम आप जानते हैं कि जब भी जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है। ठीक है, तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा या फोर होगा या फाइव होगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो हमको जो आर का वैल्यू है वो देखिए यही है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है या फाइव है। ओके, तो अब आप देखिए, जब भी किसी नंबर को हम लोग सिक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो भी पूर्णांक हमने लिया है वो पूर्णांक कौन सा है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेन एनी इंटीजर कौन ए, स्मॉल ए, जब भी किसी पूर्णांक, यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है, ए। ओके, तो जब भी किसी पूर्णांक ए को छः से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, दैट इज़ आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैं ये काला और लाल से लिखता हूँ ताकि आपका इंटेंशन बना रहे, ठीक है, और लाइन चेंज हो तो आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अगर ए को डिवाइड करते हैं सिक्स से, ठीक है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, तो हमारा बड़ा है ए। ठीक है, तो ए बराबर क्या लिखा जाएगा, ए बराबर सिक्स इंटू कोशिएंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो क्या क्या है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है या फाइव है, ये हमने देख लिया। ठीक है, देयरफॉर अगर हम आर का मान रखते हैं जीरो तो ए क्या मिलेगा, सिक्स क्यू। ठीक है, आर का मान वन रखते हैं तो ए क्या मिलेगा, सिक्स क्यू प्लस वन। तो इसी प्रकार हमको जो ए मिलने वाला है वो क्या क्या है, वो है आपका सिक्स क्यू प्लस टू मिलेगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री मिलेगा, सिक्स क्यू प्लस फोर मिलेगा और सिक्स क्यू प्लस फाइव मिलेगा। ठीक है, ओके, अब आपको बोलता है कि इसमें ऑड होगा, ऑड कौन कौन होगा, तो आपको पता है कि जो दो से भाग हो जाता है वो ऑड नहीं रहता, वो इवेन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये इवेन है, यानी सम संख्या है, ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक, इवेन, क्योंकि इसमें दो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी दो कॉमन निकालेगा, तो ये भी क्या है, सम है, यानी इवेन पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सिक्स क्यू है इसमें भी दो कॉमन निकल जाएगा, तो ये भी क्या है, इवेन है। तो हमारा ऑड कौन कौन बचा, ये देखिए, ये ऑड बचा, ये ऑड बचा और ये ऑड बचा। तो ऑड का जो रूप है वो कौन कौन है, एक, दो या तीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, ठीक है, द ऑड इंटीजर्स, ऑड लेना है आपको, यानी विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, द ऑड इंटीजर्स आर ऑफ फॉर्म किसके रूप के होंगे, सिक्स क्यू प्लस वन के रूप के होंगे, सिक्स क्यू प्लस थ्री के रूप के होंगे या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप के होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो आप इसमें हिंदी में कर लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक, ठीक है, का रूप सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव का होगा। ठीक है, ओके, इसी तरीके से देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, थ्री नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री को। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या कहता है, देखिए थ्री कहता है, इसको अच्छे से देखिए, इधर क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, ठीक है, देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आगे में क्या होता है, बैंड वाले होते हैं, ठीक है ना, ये बैंड वाले, ठीक है, आगे में इस तरह से बैंड वाले होते हैं। ठीक है, और उसके पीछे जो है उसी रो में क्या होती है, सेना होती है। ठीक है, जब भी मार्च होता है इसी तरह से मार्च होता है। ठीक है, तो इसको देखो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखाया है, ये मैंने दिखाया है आर्मी, जो आर्मी लिखा हुआ है कि पीछे आर्मी है। ठीक है, और ऊपर जो मैंने दिया है वो क्या दिया है, वो है आपका बैंड करने वाला, बैंड मार्च। ठीक है, बैंड आर्मी है, ठीक है, जिसके पास बैंड होता है। तो इस तरह से बोलता है कितना, जैसे यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच स्तंभ बन रहा है, तो इस तरीके से कितना स्तंभ बनेगा। तो देखिए, जब भी दो नंबर दिया हुआ है
और ये पता करना है कि दोनों को हम बराबर रूप से कितना लाइन में बांट सकते हैं। इसका मतलब है कि हमको उसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 15 मैंने लिया है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो 25, 25, तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, और यहाँ पे है ये 25, तो 15 और 25 का आप अगर निकालिएगा जो HCF है कॉमन है तो वो क्या है, 5 है। ठीक है, 15 और 25 का HCF निकालिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, 5 ही है। ओके, भाग करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे तो देखिए 5 लाइन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको फिगर दिया गया है वो दिया गया है कितना का, 32 हमारे स्टैंड बैंड वाले हैं और 616 हमारे आर्मी है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आर्मी की संख्या यानी नंबर ऑफ आर्मी। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो क्या है, 616 है, 616। ठीक है, और नंबर ऑफ बैंड आर्मी की जो संख्या है वो है क्या, वो है आपका 32। ठीक है, तो जो स्तंभों की संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस वो क्या बनेंगे, ठीक है, स्तंभों की संख्या यानी आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HCF ऑफ 32 और 616। ठीक है, तो HCF तो आपको निकालने आता है, अभी आपने निकाल करके देखा है, तो आप क्या कीजिए, 616 को 32 से भाग कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कैसे होगा, तो 32 का 32 होगा हमारा। ठीक है, घटाइए क्या आ जाएगा, 11 में 2 गया 9। ठीक है, और 5 में 3 गया तो 2, फिर 6 उतर गया, तो फिर इसको मैं इधर पूरा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको आपको यहाँ पे पूरा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप 616 को 32 के साथ में कर रहे हैं ना, 616 है और 32 है। ठीक है, तो 32 एका 32 आपने किया, 11 में 2 9, 5 में 3 2, फिर 6 आपका उतर गया। ठीक है, अब क्या 9 से जा सकता है, 9 दूना 27, 9 तिया 27, और 9 से 8 से जाएगा ये। ठीक है, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25। ओके, 6 6 0, 9 में 5 गया तो 4, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, 9 से लगता है चला जाएगा। ठीक है, 9 से करके देखिएगा इसको, पहले तो 1 से किया था फिर 9 से, तो 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, तो कितना आ रहा है, तो अब आपका देखिएगा 16 में 8 गया तो 8। ठीक है, और इधर आपका 0 हो गया, तो अब 8 बचा है। ठीक है, तो अब तो इसे यही रिमाइंडर हो गया, तब हम 8 को इस 32 के साथ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 32 को 8 से, तो 8 चौका 32, तो आप देखिए ये कट जा रहा, तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवीजन को अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो इस तरह से यानी कि 8 लाइंस, जैसे 5 बने थे ना, तो इस तरीके से 8 लाइन बनेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझको बिल्कुल इसका उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कैसे बनने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आप यूक्लिड का जो है प्रयोग कीजिए, एल्गोरिदम का। ठीक है, और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3m+1 लिया है, तो मैं उसका भी लॉजिक आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, उम्मीद है आपके पास बुक भी होगा। ठीक है, तो चूँकि हमको 3m और 3m+1 का बात किया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यानी 3 3 से आपको किसी पूर्णांक को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी पूर्णांक को 3 से विभाजित करते हैं, 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है, when a integer is divided by 3। ठीक है, ओके, देन तो यूक्लिड, जो हमारा यूक्लिड है उसके हिसाब से, है ना, यूक्लिड
एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है, जो शेषफल है वो क्या होगा? शेषफल आर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, ओके। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो पॉजिटिव होगा या तो उससे छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से होगा। तो अब आप ये देखिए, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे कि वेन ए इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, देन बाई यूक्लिड एल्गोरिदम द रिमाइंडर इज आर इक्वल टू 0, 1, 2, ओके। इसका मतलब क्या है? दैट इज, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो रूप होगा वो कैसा होगा, ठीक है, दैट इज द फॉर्म फॉर्म ऑफ नंबर। फॉर्म ऑफ नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? ऑफ नंबर्स आर, ठीक है, यानी जो संख्याओं का रूप होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, ठीक है, ए बराबर 3 से डिवाइड किया है तो 3 × q + r, यानी क्या क्या हो सकता है? देखिए, तो 3q + 0, आर का मान रख दिया 0, 3q + 1, आर का मान 1 रख दिया, और 3q + 2, यही हो सकता है, ठीक है, इसी के जैसा होगा। 3q + 0, अगर आर 0 होगा, आर 1 होगा तो ये 2 होगा। अब बोलता है कि अगर हम इसको स्क्वायर करें, ठीक है, क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है बुक में वो क्या बोलता है कि अगर आप इनका वर्ग करें, ठीक है, तो वो 3m या 3m+1 का रूप का होगा, ठीक है। आइए तीनों का वर्ग करते हैं, ठीक है। नाउ, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9q², ठीक है। तो 9q² को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, 3 × 3q² ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये q हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, ठीक है। m क्या हो गया? m को हमने लिखा है 3q², और ये क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है, एक इंटीजर है, लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, 3q+1 का लीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में 3 कॉमन है, ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 3q² + 6q + 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3, इस पूरे को m लिख सकते हैं, 3m+1, जहाँ आपका m क्या है? m है 3q² + 6q, और चूंकि q पूर्णांक है तो पूरा को हल करेंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा, यानी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 3q+2 का कीजिएगा, 3q+2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी अगर आप देखें तो इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो ना, 9q² + 12q + 3, 4 को लिख देते हैं 3+1, ठीक है। तो अब इसमें 3 कॉमन हो गया तो क्या लिख सकते हैं? 3q² + 4q + 1 और +1। अब ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा तो 3m+1 इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है, जहाँ ये एक इंटीजर है। तो तीनों हालत में, तीनों केस में क्या आ रहा है? ये या तो 3m आ रहा है, देखिए, या तो ये 3m आ रहा है, ठीक है, और या तो क्या आ रहा है? 3m+1 आ रहा है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+ रूप का होता है, ठीक है, वो अंतिम में आप लिख लेंगे। अतः क्या लिखेंगे? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कब होता है? जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और रूप आएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो ये अंडरस्टूड है कि हमको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, ओके, आपको अगर दिक्कत होगा तो। इसमें क्या है, दिख रहा है कि हमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं किसी पूर्णांक को तो शेषफल हमारा क्या होगा, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, किसी पूर्णांक को 9 से, ठीक है, भाग देने पर, भाग
देने पर, ठीक है, क्या आएगा हमारा शेषफल, शेषफल जो है हमारा वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए 9 तो काफ़ी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको 3 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 का करेंगे तो हमको फिर 8 तक का चेक करना पड़ेगा। तो जबकि 3 वाले में भी आप देखिएगा तो जब हम लोग क्यूबिक करेंगे तो उसमें 9 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 9 नहीं लेकर क्या लीजिएगा, 3 लीजिएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, वही होगा R01 या 02 होगा, ठीक है, जैसे पिछले बार हुआ था। तो अब आप देखिए कि ऐसे केस में यहाँ तक हमारा सेम आंसर रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये वाला चीज़ को ही यहाँ पे ला करके जो मैंने लिखा हुआ है इसको ला करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सबको क्यूब करके देखेंगे, ये तीनों का घन निकालना है, तो आप आइए घन निकालिए। तो 3q का घन निकालेंगे, क्यूबिक तो क्या आ जाएगा 27 क्यूबिक आ जाएगा, ठीक है। तो 27 में से 9 को कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 3qq, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9m, जहाँ आपका m कितना है, जहाँ मेरा m जो है वो है 3q³, और ये एक पूर्णांक होगा, ठीक है, क्योंकि q हमारा पूर्णांक है तो 3q³ भी एक पूर्णांक होगा। इसी तरीके से आप 3q+1 को चेक करेंगे, तो इसका जब आप क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब पहले लिखिएगा, a क्यूब प्लस, ठीक है, 3a² b, तो a स्क्वायर हो गया आपका 9q², ओके, तो फिर से आ जाएगा 27q², 3ab² तो 9q+b², तो ये आने वाला है, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए 9 कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को कॉमन लेंगे तो 3q+3q² + 3q+1, तो अब ये देखिए पूरा मेरा m बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9m+1, यहाँ m आपका क्या है, m है आपका 3q³+3q² + 3q, ये भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 3q+2 को कीजिएगा, तो क्यूब कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 27q³ प्लस, ठीक है, 3a² b, तो आपका हो जाएगा 54q² + 3ab, ओके, तो 3ab करेंगे तो आपका हो जाएगा 18q+b² तो 4। तो आप इसको भी आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा ना, क्या आएगा 8, ठीक है, ओके, ए क्यूब 3a² b, ओके, तो 9 और 2 जा 18, 18 3 जा, ठीक है, 54, 3ab² तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q³ प्लस, ठीक है, यहाँ पे 6q² प्लस यहाँ पे 2q, और यहाँ पे क्या बच गया अलग से 8, ठीक है। तो अब आपका देखिए ये क्या हो गया, ये आपका m बन गया, तो ये हो गया 9m+8, ठीक है। यहाँ पे हमारा m क्या है, यहाँ पे हमारा m है 3q³ + 6q² + 2q, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो आप देख रहे हैं या तो हमारा 9m के जैसा होगा जैसा हमने यहाँ पे दिखाया, या तो ये 9m होगा, ठीक है, और या तो ये क्या होगा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः लिख सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, ठीक है, आर ऑफ, ठीक है, का घन कैसा कैसा होगा, 9m+1, ठीक है, या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। अब दैट इज वी कैन से दैट, ठीक है, द क्यूबिक ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m+1 और 9m+8, ठीक है। तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप इसको लिख लिया कीजिए, ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ने में खूब मन लगाइए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।